तो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। तो अगर मैं कौन नई वीडियो में यहाँ पे अपना चल रहा है फ्री फायर मैक्स। अभी अभी मैं आसमान से नीचे कूदा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि उस तरफ चला जाऊँ संतोषा पे, क्योंकि लूट करना जरूरी है यार। अभी अभी मैं उतरा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे गन वगैरह कुछ नहीं है, मैं इधर भी लूट कर सकता था, बट मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ पे संतोषा के ऊपर है और अगर मैं यहाँ पे मर जाता हूँ तो वो बोलेंगे भाई तू हमारे साथ में क्यों नहीं था, स्क्वाड का मतलब क्या है, अगर तू अकेले अकेले जाके खेल रहा है, अकेले लूट कर रहा है तो स्क्वाड का कोई मतलब निकलता नहीं है। तो इसलिए यार उनकी दो बात सुनने से अच्छा अपन संतोषा के ऊपर पहुँच जाते हैं, जैसे अपने को कोई कुछ बोल भी ना पाए और संतोषा के ऊपर अपने को लूट भी अच्छी खासी मिल जाएगी। तो एक बार चेक कर लेता हूँ कि अपने को यहाँ पे क्या मिलने वाला है। खैर मुझे गन थोड़ी सी अच्छी चाहिए, क्योंकि यार गन अच्छी होगी तभी अपन सामने वाले अपोनेंट से फाइट कर सकते हैं। ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ख़राब गन मिली है, मुझे ये K98 से भी ख़राब लगती है। पता नहीं भाई किसी की फेवरेट हो तो ये, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि भाई किसी की फेवरेट होगी। AWM एक बार को हो सकती है, बट भाई ये M24 क्या ना गन है भाई, ये कोई दम वाली बात नहीं। इस वाली गन के अंदर डैमेज वगैरह भी उतना ज़्यादा नहीं है और चलने में भी उतनी ज़्यादा खास नहीं है कुछ, बट किसी को अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट बता सकता है। अब देखो अभी मैं संतोषा से निकल आया हूँ, क्योंकि मुझे रास्ते में मिल चुकी थी M14 जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वन लेवल की है, और बिजोन भी मिल चुकी थी। तो मेरी लूट ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी थी और साथ में अपनी स्क्वाड भी यहाँ पर आ चुकी है। स्क्वाड के साथ ही मैं रहने वाला हूँ, स्क्वाड से अलग नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि अगर अपने ऊपर कोई भी अटैक करता है, लाइक कोई भी बंदा मेरे ऊपर अटैक करता है, तो अपनी स्क्वाड साथ में रहेगी तो मैं उसको ईजिली मार सकता हूँ, और अगर मैं मर जाता हूँ तो मुझे रिवाइव भी इंस्टेंट मिल जाएगा भाई, तुरंत मिल जाएगा। तो ये बात काफी ज्यादा सही हो जाएगी, सामने बंदा है क्योंकि निशान आपको दिख चुका होगा। थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, आपके भाई को ध्यान से खेलना पड़ेगा, क्योंकि यार अभी मेरा गेम प्ले ना थोड़ा सा खराब जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। ये रहा बंदा भाई, हेड ही नहीं लगाना यार, हेड ही नहीं लगा, गेम ही खराब जा रहा है। बताऊंगी एक तो गया, चलो अभी सेकेंड मेरे पीछे ये भी गया, और डैमेज था ये बंदा, बहुत ज्यादा नहीं डैमेज था, एक बंदा सामने से मार रहा। रुको इसको भी मारूंगा, ऐसी बात नहीं कि इसको मैं छोड़ देने वाला हूँ, मारूंगा तो इसको भी मैं, क्योंकि इसने मुझे गोली चलाने की गलती करी है इसने मेरे ऊपर। अरे यार उसने मेरे फ्रेंड को ही मार दिया, वो रहा। चल रुक जा बेटा, धीरे धीरे मारेंगे, पहले मेडी लगा लेता हूँ भाई, क्योंकि मेडी की कमी नहीं होनी चाहिए। बंदा थोड़ा सा प्रो लग रहा है, अपने एक प्लेयर को लुढ़का चुका है, वो फिर से लुढ़का देगा। लो भाई गाड़ी ब्लास्ट कर दी मैंने, डैमेज तो लगेगा कुछ उसको गाड़ी से, फूट गया गाड़ी। ओ भाई बंदा कहाँ है, यहाँ पहुँच गया भाई, कितना ज़्यादा चलाक था, वहाँ से यहाँ आ गया। अब एक मेडी लगानी पड़ेगी भाई साहब, अभी चलो ट्रिपल किल। अभी मेरे पास अगर सोनिया नहीं होता था मैं मर जाता, मैं मेडी लगाने की सोच रहा था, बट बंदा मेरे ऊपर रस मारने के फिरात में था, क्योंकि यार उसको पता था कि उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया है, तो वो मैं अगर मेडी लगाता तो मेरे ऊपर रस मार देता, तो इसलिए मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, जितनी हेल्थ है लड़ लो भाई उससे ही। सोनिया कैरेक्टर के दम पे मैं लड़ लिया और सोनिया कैरेक्टर की वजह से मैं बच गया। अगर इसके पास भी सोनिया कैरेक्टर होता तो 100% मैं मारा जाता, फिर मेरे को कोई नहीं बचा सकता था, बट अच्छी बात है उसके पास सोनिया कैरेक्टर नहीं था, मेरे पास था भाई। ग्लिच हो रहा है थोड़ा सा, चलो यार मुझे अपने फ्रेंड्स को रिवाइव भी करना पड़ेगा, यहाँ पे और भी प्लेयर देखे जरा। भाई तू कहाँ बैठा हुआ है, फेट भाई मर गया बंदा यार दो गोली के, ये तो नॉक होता भी नहीं दिखा। मुझे लग रहा है मैंने अकेले नहीं पूरी स्क्वाड का काम तमाम कर दिया है भाई, ये जितनी भी पेटी आपको दिख रही है ना सबको सिर्फ मैंने मारा। यहाँ पे मेरी गन भी दो लेवल की हो चुकी है M14, तो मैं सोच रहा हूँ इसको 3 लेवल का कर लेता हूँ, क्योंकि देखो 3 लेवल का हो जाएगा ना तो काफ़ी ज़्यादा सही चलने वाली है, डैमेज भी काफ़ी ज़्यादा इसका बढ़ जाने वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ 3 लेवल की कर लेते हैं। यार अगर मुझे P90 या Mac 7 मिल जाती तो काफ़ी ज़्यादा सही बात हो जाती, क्योंकि यार वो मेरी फेवरेट गन्स हैं इस वाले गेम के अंदर, Mac 7 और P90, बट वो दोनों तो मुझे नहीं मिली है, बिजोन से ही काम चलाना पड़ेगा। एक मैं अपग्रेड चिप अभी खरीदने वाला हूँ, जैसे मेरी गन 3 लेवल की हो जाए, मुझे M14 करनी है 3 लेवल की, क्योंकि 3 लेवल की ज़्यादा अच्छी चलेगी इसलिए। सो चलो ठीक है, मैंने अभी परचेस कर ली है, अब चलते हैं सीधा यहाँ से निकलते हैं। मैं फ्री की मेडी वगैरह भी ले रहा हूँ, क्योंकि मेडी की ज़रूरत पड़ने वाली है, जोन के अंदर मैं खड़ा हूँ तो 2-3 मेडी तो मुझे ऐसे ही माननी पड़ेगी, एक में ही काम हो जाएगा। वैसे तो अभी इनहेलर से ही काम हो रहा है, मैंने 3 लेवल की कर ली अपनी M14, मैंने एक अपग्रेड चिप परचेस कर ली थी, इन वाली पेटीज में नहीं थी यार, मैं इन वाले लूट्स को लूट रहा था, बट इस वाले लूट्स के अंदर नहीं थी अपग्रेड चिप, वरना अपना काम हो जाता, अपने को परचेस नहीं करनी पड़ती। अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकल लेते हैं सीधा आगे की तरफ, हमें यहाँ से भागता भागता सीधा मेल की तरफ आ जाता हूँ, क्योंकि जो फाइनल जोन है ना वो मेल की तरफ ही बन रहा है। मेल के ऊपर मैं आ चुका हूँ, एक बार मैं सोच रहा था चेक कर लूँ अगर कोई प्लेयर होगा तो उसको यहीं से लुड़का देते हैं, बट ऐसा कुछ भी मुझे लग नहीं रहा है देखने को। यहाँ पे एक बंदा है, ओ भाई वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है यार, मेरा किल चला जाएगा मुझे पता है, गया भाई मेरा किल यार, अगर ये ना मारे तो ठीक है वरना वो चला जाएगा मेरा बंदा। ओ भाई मैंने नॉक किया है, 5 पेंटा किल हो गया ना, 5 किल। मुझे तो लगा भाई कि किल चला गया, क्योंकि यार मैंने उसको डैमेज दिया था, अपने फ्रेंड ने रस मार दिया था,
बट अच्छी बात है भाई कि एटलीस्ट यार मुझे मिल गया जैसे जैसे करके। मैंने दूर से फायर कर दिया था उसके ऊपर, तो मेरी वाली गोली से वो नॉक हुआ था, तो किल तो मुझे मिलना पक्का हो चुका था। और मैंने भी कंफर्म भी किया, कंफर्म अपने फ्रेंड से नहीं करवाया था, कंफर्म भी मैंने किया। वैसे ये करवा देते कंफर्म, ऐसी बात नहीं कि कोई किल वगैरह चोरी करता। अगर हमने डाउन कर दिया तो वो उसके मतलब रिवाइव होकर खड़े होने का वेट कर रहे उसके बाद उसको मार रहे, ऐसा कोई नहीं करता अपना फ्रेंड। मतलब फिनिश कर देते उसको अगर कोई प्लेयर नॉक होता है तो। अब देखो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से कुछ परचेस कर लूँ, क्योंकि यार मेरे पास पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इतने पैसों का क्या ही करेंगे यार, कुछ परचेस कर लेते हैं। तो मैं कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा देर से, 24 या 25 थे मेरे पास पैसे, तो सारे मैंने परचेस कर लिया। मैंने कुछ ग्लू वगैरह खरीदी है, क्योंकि कुछ शायद एक्स्ट्रा ग्लू मिलती है या फिर उनका कुछ एक्स्ट्रा यूज़ होता है। 200 HP ऐसा कुछ दिखा रहा था, शायद मैं अगर ग्लू को लगाऊंगा तो 200 HP मेरी हो जाएगी। अगर ऐसा कोई सीन हुआ ना तो मज़ा आ जाने वाला है भाई सच में। मैं सोच रहा हूँ नीचे से जाके वो 200 टोकन दिखते हैं ना उसको भी लूट लाऊँ। बंदा है भाई, ठीक है आ जा मेरे पास। वैसे मेरा ऑरेंज चार्ज है, मैं लपेट दूंगा उसको। क्या चक्कर में है भाई तू, तेरा चक्कर क्या है? हेलो भाई, मैं नॉक हो गया क्योंकि उसको किसी और ने मार दिया ना भाई। अब रिवाइव करवा जाओ, एक प्लेयर आ जाओ भाई, कोई भी। गौरव भाई यहाँ पे अपने पास आ रहे हैं। गौरव भाई भाई काफ़ी ज़्यादा सही प्लेयर है, गौरव भाई भाई एक नंबर के प्रो बंदे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। गौरव भाई नहीं होते ना तो यहाँ पे मेरा काम तमाम हो जाता। हम भी बचाएंगे अगर, अब तो क्या ही है यार, कितने बंदे बचे हैं? हम चार हैं और वो सिर्फ 3 बंदे बचे हैं। हाँ 5, 6, 7 तीन बंदे वो बचे हैं भाई, वो क्या ही कर लेंगे। भैया आपके भाई का होना तय हो चुका है अभी। मेरा बंदा रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है ये। चल भाई कहाँ तो बचने वाला है। लेजेंडरी किल हो चुके हैं, मतलब 6 किल मेरे यहाँ पे हो चुके हैं। अभी 2 बंदे और बचे हैं और मैं इसको लूट कर रहा हूँ उसकी। अरे शिट, मुझे मार दिया भाई गौरव भाई ने सेकेंड बार। और गौरव भाई का सोनिया जल चुका है। ओ भाई गौरव भाई भी अभी डाउन हो चुके हैं। अच्छी बात है उन्होंने दिमित्री का यूज़ कर लिया था। बंदे ने मारा कहाँ से भाई, मुझे पहाड़ी से मारा है क्या बंदे ने? यार ग्लू बोल सामने लगी हुई है और फिर भी बंदे ने मुझे मार दिया, तो भाई ऐसे कहाँ से उसने एंगल ले लिया? बंदा दिख नहीं रहा है, खैर मुझे तो मार किस तरफ से रहा है। अरे भाई मैं समझ गया, मैंने फालतू ग्रेनेड आगे फेंक दिया, मुझे लगा आगे बंदा ऊपर है। भाई देखो ना ऊपर ग्लू वाल लगी दिख रही भाई, ऊपर पहुंचा कैसे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका सीन क्या है। सर लॉन्च पैड लगा के पहुँचा हुआ, रुक जा बेटा तुझे बताता हूँ। लग नहीं रही उसको गोली, नहीं लग रही भाई, एक भी गोली नहीं लग रही। आना भाई सामने आना, अभी जोन आ रहा है। मैं सोच रहा अपना एक प्लेयर नॉक रिवाइव भी कर दूँ उसको। चलो अच्छी बात है, अपने किसी फ्रेंड ने रिवाइव कर दिया, मुझे रिवाइव नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ से सीधा निकल लेता हूँ और वो बंदे के नीचे कूदने का मैं वेट करने वाला हूँ। मैं इस तरफ हूँ क्योंकि वो मुझे गोली से मार ना पाए, मुझे पता है वो ऊपर ही है और वो नीचे ज़रूर कूदेगा, वरना वो जोन में मरेगा। तो जोन में मरना तो वो नहीं पसंद करेगा, वो सोचेगा चलो नीचे चलते हैं, और जब नीचे कूदेगा तभी मैं उसको मारूंगा। भाई कूदने दो उसको, बस वो रहा, दिख रहा है मुझे वो ये कूदा। हाँ साहब सीधे हेड ही हेड लगे यार, और कुछ लगा ही नहीं। अब सिर्फ एक पेयर बाकी है, तो भैया हमारा होना पक्का हो चुका है। अब देखते हैं उसको कौन मारेगा। बाकी यार उसको हेड ही हेड लगे थे जो ऊपर से कूदा था, ये रहा गंदा। चल ख़त्म भाई, हमारा हो चुका है भैया। सो यहाँ पे आकर मैंने देख लिया एक और भैया 7 किल के स्का, देखते कितनी प्लस हुई है अपनी। 7 किल है वैसे मेरे, 60+ हो गई भाई। एक बार तो मैंने कितने 12 किल किए थे, 45 ही हुई थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही बात है, ज़्यादा प्लस हुई है। यही कुछ था वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को लेना सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। मैं मिलता किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।